आज पहुंची है सुरंज विधानसभा। सुरंज में आज लोगों से जानेंगे कि क्या चुनावी हाल है, क्योंकि यहां पर पिछले 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, मगर क्या जमीनी हालात हैं लोगों से जानकारी लेंगे। मगर सुरंज का प्राचीन नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रोणितपुर सुरंज का प्राचीन नाम था और इससे पहले सुरंज राजस्थान की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद सन 1956 में सुरंज मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। अब तक कितना सुरंज का विकास हुआ, चलिए हम जानकर देखते हैं। सुरंज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हाल है, हम लोगों से जानते हैं, मरीजों से जानते हैं कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ता है, क्या यहाँ पर डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं, क्या वो सब काम है? अभी श्यामल खेड़ी से हमको तो मिल गए हैं। मिल गए डॉक्टर, इलाज बढ़िया हो रहा है। और उंगली का नाम एक्सरे करवाया था, वो तो हो चुका है। कहाँ से आए दादा? सुरंज से। तो डॉक्टर वगैरह मिल गए? नहीं अभी नहीं आए, अभी आए हम तो। अच्छा जी, अभी आप आए हो। हाँ, तो डॉक्टर बैठे हैं, देख रहे हैं अब उनके लाने। अच्छा, क्यों भैया, बच्चे का इलाज हो गया? नहीं, मैडम को लेके आए थे। अच्छा जी, तो इलाज हो रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं? हाँ, देख रहा है डॉक्टर। ठीक है, अगर बात करें जी, अंदर की दुर्दशा देखिए, बहुत गंदगी मची है उधर। अच्छा, कहाँ पर? जो अंदर है ना, लेडीज को आने जाने में बहुत दिक्कत है। कमी है यहाँ पे, स्टाफ की कमी है। अब यहाँ डॉक्टर साहब ने पर्चे दे दिया, अब यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, परेशान होना पड़ता है कि कहाँ पे जाना, कौन से वार्ड में जाना। सर ने लिख दिया पर्चा, उन्होंने दवा गोली लिख दी, जांच लिख दी। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बता सके कि फलानी जगह जाओ जा, कौन से रूम में जाना। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है और गंदगी भी है। गंदगी भी है। और किस तरह की दिक्कत परेशानी है? दिक्कत यही है सर के, जरूरत पड़ती है नाइट में तो एक दो सिस्टर होती हैं, वो घूमती रहती हैं, कुछ पूछो तो अव्वल तो जवाब ही नहीं देना, तो थोड़े कड़क बोलना है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, वो ध्यान पे नहीं देना, वो ठीक है हो जाओगे, जाओ नहीं तो जहाँ से चले जाओ। अच्छा, मतलब डॉक्टर का स्टाफ भी नहीं है, स्टाफ की कमी से परेशान होते हैं? सबसे ज़्यादा कमी है स्टाफ की, रात में भी दिन में भी, वो तो स्टाफ तो है ही नहीं, ना के बराबर है। पानी वानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी वानी ठीक ठाक, पानी ठीक ठाक, लेकिन गंदगी ज़्यादा है। अच्छा, किस पार्ट में ज़्यादा गंदगी है? वो तो सब में ही है टोटल गंदगी। चलिए हम देखते हैं, इस अस्पताल का जायजा लेते हैं। ये सुरंज का अस्पताल है, यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ मरीजों का कहना है कि उन्हें दवा और इलाज तो मिल रहा है, मगर डॉक्टर की कमी बताई जा रही है और साथ ही गंदगी अस्पताल में बताई जा रही है। देखते हैं, जायजा लेते हैं। ये सुरंज का अस्पताल है, तो कह सकते हैं जिला अस्पताल है। ये आप देख सकते हैं, हालांकि कंटेनर डस्टबिन के रखे हुए हैं अभी, और यहाँ पर गंदगी भी आप देख सकते हैं। सुरंज में भी हम मौजूद हैं और आपने चाय तो हर तरह की पी होगी, मगर ये पंखे वाली चाय, आपको हम इसका जायका और स्वाद भी बताएंगे। सुरंज में ये आप देख सकते हैं, इस तरह से केतली रखी हुई है और चाय गर्म हो रही है, भट्टी पंखे से चलती है। इन भैया से जानते हैं कि ये पंखे वाली चाय से इन्हें कितनी आमदनी हो जाती है और रोज़गार के क्या आपके पास विकल्प हैं? सर, रोज़गार तो यही, दुकान चला रहे हैं, बस इसी से अपना पेट पालन करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप फिर कोई उसके अलावा विकल्प रोजगार का? और रोजगार का बिल्कुल क्या सर, यही मजदूरी है, चल रही है और क्या। हाँ भाई, काम धंधा कैसे रहता है? ये काम साफ दुकान चला रहा है, पेट पालन कर रहा है बच्चों का। और क्या, कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको? कोई लाभ नहीं मिला साहब, हम तो अस्पताल यहाँ पर है, तो इलाज वगैरह इलाज हो जाता है, हमारे लाभ कुछ कोई नहीं मिला, ना कुटी वगैरह कुछ भी नहीं आई। अभी सरकार की जो एक योजना है लाडली बहना योजना, उसका फॉर्म भरा? फॉर्म तो भर दिया सर। अच्छा, उम्मीद हो जाएगा? अब पता नहीं सर होगा कि नहीं। तो अधिकारी यहाँ पर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? अबे तो कोई ने कुछ नहीं किया। आपने भर दिया था फॉर्म? हाँ, मतलब इनका फॉर्म भरवा दिया? हाँ, भरवा दिया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब दिक्कत तो कुछ सूचना ही नहीं आई। अच्छा, क्यों भाई साहब, कहाँ जाना पड़ता है आपको काम धंधे के लिए? हमको मार्केट में जाना पड़ती है 5 किलोमीटर दूर काम धंधे के लिए। इधर वैसे कोई सरकारी योजना नहीं है, कोई योजना नहीं, जैसे काम लग सके, हमें काम मिल सके, मजदूरी मिल सके। मजदूरी भी हमको बहुत कम मिलती है, यहाँ पे 300 रुपए रोज मिलते हैं बस, इससे ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। किस तरह के काम है यहाँ पर? ये तगाड़ी फावड़े का मकान का काम। अच्छा, मिलता है बस।
यही मजदूरों का काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। अच्छा, कोई कॉलेज स्कूल है यहाँ? कॉलेज स्कूल यहाँ पे नहीं है। यहाँ कॉलेज स्कूल है नहीं। कहाँ तक पढ़े आप? ये 8वीं क्लास तक पढ़े। उसके बाद फिर? उसके बाद में फिर पढ़ाई नहीं हुई। फिर पढ़ाई छोड़ दी। अब फिर मजदूरी? फिर मजदूरी कर रहे हैं। आपके लिए भी पढ़ाई फिर छोड़ दी आपने? हाँ, हमने छोड़ दी। तगाड़ी फावड़े की करते हैं। तो ये तगाड़ी फावड़े का यही काम यहाँ पर है ज्यादा? हाँ, यही है सब। कंपनी वगैरह नहीं है? तो ये कहाँ, किसी खदान में जाना पड़ता? कहाँ? ये घर लोग अपने घर मकान बनता है तो उनके मजदूरी से जाते हैं हम। अच्छा, अभी तक तो कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ के विधायक वगैरह कभी मिलते हैं? पार्षद वगैरह कोई है? हाँ है ना। मैंने वो कहते थे हाँ हो जाएगा, अभी तक कोई वही नहीं। आज 20 साल से रह रहे हैं ना, मकान है रहने को। भाई यही मेहनत मजदूरी करते हैं, अभी तक कोई मकान की सुनवाई नहीं। भाई क्या काम धंधा है? एम्बुलेंस चलाता हूँ सर, प्राइवेट। प्राइवेट। अच्छा जी। तो बाकी सरकारी एम्बुलेंस वगैरह कितनी चलती है? चलती है ना, X1 है ना, वो भी चलती है। हाँ जी। स्वास्थ्य वगैरह की बढ़िया व्यवस्था है? हाँ, वो तो इमरजेंसी के लिए अगर गाड़ी नहीं मिलती बेचारे गरीब लोगों को, प्राइवेट में चले जाते बेचारे। अच्छा, तो रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मजदूरी बिल्कुल नहीं है। आदमी ड्राइवर है तो वो कर लेगा, दुकानदारी चला रहा है टपरों में। और बाकी सरकारी योजना के लिए विधायक वगैरह सुनते हैं आपकी? नहीं, सुनते तो हैं, मगर वो उस लायक रोजगार ही नहीं है ना। अच्छा, उस लायक रोजगार नहीं है। मजदूरी करते साहब? सभी मजदूरी। हाँ। तो कितना क्या मिल जाता है रोजाना? मिल जाता 250-250 रुपए रोज। अच्छा, अभी वही फिर मजदूरी के लिए? हाँ, जो ठेला लगाते हैं वो ठेला रहेगा, नाश्ता पानी का। अच्छा, नाश्ता पानी। दादा, आप खेती किसानी की? क्या किसानी करते हैं ना साहब? अच्छा, हो जाता क्या फसल लगाते हो? अरे फसल क्या है, वो पहाड़ है वो तो। अच्छा, पहाड़ी खेती? पानी नहीं है। पानी नहीं है? बिजली कहाँ है? रही नहीं है, नहीं मिलती बिजली। बिल्कुल नहीं मिलती बिजली ही नहीं वहाँ तो। अच्छा, हमें ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो तमाम लोग हैं ये सुरंज के वो जमीनी लोग हैं जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, और ये उम्मीद इन्हें है आपकी इन्हें रोजगार मिले, क्योंकि हर घर से यहाँ पर अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं, सुरंज में ही मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी कर ही अपना घर परिवार पालते हैं। इस तरह से लोग अपनी छोटी छोटी दुकान चलाते हैं। सुरंज विधानसभा के जो वोटर्स हैं, जो नेता हैं और मतदाता हैं, क्या उनकी मांग है और क्या चाहते हैं कि सिरोंज में कितना विकास होना चाहिए? सिरोंज के वो तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो सिरोंज के विकास को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी वो नेता मौजूद हैं जो आने वाले चुनाव में दमखम झोंकेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का क्या कहना है? मैम, क्या लग रहा है सिरोंज कितना पिछड़ा है? देखिए, सिरोंज जिस तरीके से यहाँ पर 20 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो राज किया उसकी दृष्टि से देखा जाए तो आज सिरोंज मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। यहाँ पर 100 बिस्तरों का अस्पताल है, जो कि आज वहाँ पर यदि कोई महिला पहुँच जाए तो ऐसा लगता है कि उसको ज़िंदगी के बजाय मौत के मुँह में धकेल दिया गया है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मुख्य बाज़ार, यदि वहाँ कोई बाज़ार में एक 4-पहिया वाहन यदि प्रवेश कर जाए तो उसको निकलने के लिए, उसको पार करने के लिए घंटों लग जाते हैं। आज तक सिरोंज का एक ऐतिहासिक बाजार है जो 3 मंजिला बाजार है, उसमें अभी तक ट्रैफिक की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। यहाँ का सब्जी का बाजार बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार ये विधायक रहे हैं तो उसके बावजूद ये हाल है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि विधायक जी को नाचने गाने और घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है यहाँ के। यहाँ जो है अगर काम के मुकाबले में अगर आप देखें, क्योंकि स्थानीय जो विधायक हैं भाजपा के, लंबे टाइम से यहाँ भाजपा जीत रही है, लेकिन काम के मामले में यहाँ शून्य है, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ रोजगार के मामले में कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या करना चाह रहे, क्या मेहनत रहेगी यहाँ पर? आम आदमी पार्टी फुल विपक्षी भूमिका में रहे है और आगे चुनाव में भी फुल जो है चुनाव लड़ाएगी पार्टी। और यहाँ पे जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा जो है, यहाँ पे वो काफ़ी भ्रष्टाचार है। और यहाँ पे जो है ऐतिहासिक तालाब सुरंज का, जिसके अंदर 2,67,00,000 रुपए की लागत सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं उसके, जो अभी वहाँ पर देखा जाए तो
वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो तालाब जो है, नहीं सर आपका जो है तालाब, ये आरोप भी लग रहा है कि जलकुंभी ज्यादा हो गई है तालाब में। देखिए मैं पहले तो हमारी दीदी ने जो आरोप लगाए हॉस्पिटल के, तो मैं बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है सिरोंज में, ये पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने बनवाया था। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन 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 ये जो है कांग्रेस चालू नहीं करा पाई, ये हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने चालू कराया। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, नहीं नहीं सुनो, हमारी सरकार जब थी हमने यहाँ कराया था, सुभाष सोजतिया जी स्थानीय सांसद हमारे आए थे। अरे तो भाजपा की सरकार है ना जिम्मेदार थे, और हमने एक मिनट हमने 100 बिस्तर का अस्पताल इनके सुपुर्द किया था, आज वो 20 बिस्तर का है अस्पताल। इनसे ये पूछो 80 अस्पताल कहाँ गए। आपने पूछते हो क्या हालात है सिरोंज के? सिरोंज के हालात इतने बुरे हैं, मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र सिरोंज ऐसा है जहाँ के गांव में ये बोर्ड लगे हुए हैं कि भाजपा के लोगों का गांव के अंदर आना मना, इतना विकास हो चुका है। ये कंडरा खेड़ी गांव है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है, गांव के बाहर स्पष्ट बोर्ड लगाया कि भाजपा के लोगों का आना बिल्कुल मना है। हमारे यहाँ जिले की मांग पुरजोर बरसों से ही, हमारा मांग ही नहीं अधिकार है सिरोंज का। रेलवे लाइन आज तक किसी ने भी जो ला के यहाँ नहीं बिछवा पाई है, इसके लिए सभी दल जिम्मेदार हैं। तो बिल्कुल, और भी हम जानते हैं भाई साहब आपसे, आपका नाम परिचय? मैं सुरेश यादव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सिरोंज से। क्या लग रहा है कि सिरोंज में कितना बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो बहुत कुछ होना, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है अभी। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो उमाकांत शर्मा है, जिन्होंने उनके विकास के नाम पर एक काम ही नहीं किया, इतने नाकारा विधायक शायद ही कोई हुआ हो। उन्हें सिर्फ नचनारियों के साथ डांस करना है, मंचों पर डांस करना है, और पूरे क्यों लग रहा है विधायक पर सभी लोग लगा रहे हैं? नहीं, ये आपने वीडियो देखी, उसकी कई वीडियो वायरल हुए हैं उनके, जो हमेशा नचनारियों के साथ डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। तो ये विधायक की पद की गरिमा को खत्म कर दिया उन्होंने, पूरे काम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं, अभी आठ महीना पहले मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। मैं गांव क्षेत्र में गया था, वहाँ कोई विकास नहीं है, नलकूप बंद पड़े हैं, डीपी जली हुई पड़ी है, लोग इतने परेशान हैं बेहद। और जो उस टाइम जो है ना मेरी जीत हुई है ना, इनके नाकारी कारण से मैं बहुत सारे मतों से जीता। क्या कहना है आपका? मैं इरशाद गोरी, सिरोंज शहर अध्यक्ष। मैं इस शहर के ही एतबार से आपको बात बताता हूं, इस वक्त जो है विधायक जो है वो भाजपा के हैं, यहाँ वो कम से कम 20-23 साल से जो है इनका यहाँ पर राज है। आज नगरपालिका के अंदर में इनकी परिषद है, इनका अध्यक्ष बैठे हैं, लेकिन अभी आपको हम 2-4 रोज के ही पेपर की कटिंग बता सकते हैं। नगरपालिका में इस वक्त भाजपा के पार्षदों को जो है सोशल मीडिया पे पेपरों में देना पड़ रहा है कि उनके खुद के विकास के नाम पे काम नहीं हो रहा है। क्या कहना वो पार्षद जी भी यही है, वो एक तरफ तो मोदी जी स्वच्छता का जो डंका पीट रहा है, और नतीजा के नाम पे हमारा तालाब ये सामने देख रहा हो। ऐसा कोई सा वार्ड नहीं है जहाँ पे कचरे का अंबार, मैं खुद 17 नंबर का वार्ड हूँ वहाँ से। मतलब तालाब के लिए तो जलकुंभी से जो तालाब भरा है बिल्कुल हुए हैं, और इसका बस कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मेरे वार्ड के साथ सौतला व्यवहार का, वहाँ कोई सीपर आता ही नहीं है, गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है। जी जी, आप कर मैम, क्या कहना है आपका? सुशीला वंशकार जी। ये जो तालाब है जलकुंभी वाला तालाब जी, ये से साफ करने के लिए कुछ काम क्यों नहीं करती है यहाँ पर नगर परिषद? पैसे लेके बैठ जाते हैं, साफ थोड़ी करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। करोड़ों का नोट ले लिए, साफ के नाम बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे। बीजेपी वाले क्या नाम पे काम कर, कागजों में काम करते हैं, कागजों में काम जी, मेहनत नहीं करना चाहते। क्या कहना है सर? मैं एक यूथ हूँ, मेरी 26 एज हो गई, पिछली बार आप आए थे 2018 में, हम लोगों ने सरकार बनाई थी कांग्रेस की। मैं आई हैव डन एमए और आई हैव क्वालिफाइड एबीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी होल्डर। मैं माननीय शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं कि आप लोग एनसीसी पूरे जो मध्य प्रदेश में चलाते हैं उस पर जो खर्चा देते हैं, बहुत खर्चा होता है, आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, उसमें हम लोगों को पुलिस में 5 अंक दिए जाएँ। और अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते तो हम उनसे भी मांग करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि वो भी कम से कम 5 अंक दिए जाएँ। और रही बात युवाओं की, युवाओं को यहाँ पे रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ से 1-10 किलोमीटर दूर भोपाल की ओर जाते हैं रोजगार के लिए। 26 साल हो गई मेरी है जब से मैं विधायक एक ही घर से बन के आ रहा, लेकिन एक को भी अभी तक रोजगार नहीं दिया। विधायक एक घर से आ रहे हैं, इनका आरोप है सब, क्या सही है ये बात?
बिल्कुल ये बात सही है। और यहाँ शिक्षा का जो हाल है, शिक्षा एक मेन चीज होती है जो विकास के लिए जरूरी है।